Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hello everyone, and now we are going to start Unit 2 Algebra. In previous videos, we have finished till 5th chapter. You can check out your previous video on the portal also. And chapter 6, where we are going to read algebraic expressions. So by this chapter only we are going to start the algebra. In your previous classes you also have read algebra, but not too much, so watch it carefully. Our first topic is, what are algebraic expressions? Algebraic expressions hota kya hai? Algebraic expressions represent mathematical ideas and operations in a short way using symbols and variables. Algebraic expression hota hai, matlab represent karna hota hai mathematical ideas ko aur operations ko short way mein, jisme hum symbols ka aur variables ka use karte hain. How are mathematical expressions formed? Mathematical expression banti kaise hai? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशन सिंबल्स को कंबाइन करने से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है. अब ये कॉन्स्टेंट और वेरिएबल होते क्या हैं, इनको हम मैं पढ़ाऊंगा आपको. कॉन्स्टेंट देखिए, सबसे पहले तो आप कॉन्स्टेंट देखिए, कॉन्स्टेंट क्या होता है. तो कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट इन एल्जेब्रा विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट. मतलब एल्जेब्रा में वो सिंबल्स जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है उनको हम कांस्टेंट बुलाते हैं. जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, जितने भी नंबर हैं, 8 है, -7 है, 0 है, 6 है, या 7/8 है, इस तरीके के नंबर्स को हम ये कांस्टेंट बुलाते हैं. वेरिएबल्स की बात आती है तो वेरिएबल क्या होता है? ए सिंबल विच कैन बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज. एक ऐसा सिंबल जिसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज आती रहती है, कई बार इसकी वैल्यूज बदल भी जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो उनको हम बुलाते हैं वेरिएबल. एल्जेब्रा में वेरिएबल को डिनोट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं बेसिकली हम. तो आप देख सकते हैं इसमें बताया गया कि 2x या 3a/5, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. तो इसके आगे देखते हैं हम लोग. यहाँ से अ टर्म is an arithmetic number, letter, group of letters or group composed of an arithmetic number and letters which are joined by multiplication or division. Term कैसे बनता है? Terms की बात आती है तो term कैसे बनता है? Term जो है वो number हो सकता है, letter हो सकता है, group of letters हो सकता है, group composed of arithmetic number और letters, इनको भी compose करके बनाया जा सकता है, तो उसको हम एक term बुलाते हैं. कैसे होता है देखिए, जैसे 7 है, ये एक नंबर है, तो ये भी एक टर्म है, टी है, ये भी एक टर्म है, ए बी है, ये भी एक टर्म है, 5x²y, इसमें कई तरीके के वेरिएबल यूज़ हुए हैं, और एक हमारा जो है यहाँ पे नंबर भी यूज़ हुआ है, ये भी हमारा एक टर्म है. तो टर्म कैसे बनता है वो आपको यहाँ पे बताया गया. नाउ नेक्स्ट, अब इसमें जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें ये बताया गया कि एक टर्म जो है वो कैसे बनता है और फैक्टर से मिलकर के बनता है, ये बताया गया. ईच टर्म इज़ फर्दर मेड ऑफ फैक्टर्स. अगर एक टर्म के हम टुकड़े करें या उसके पीसेस करें तो वो फैक्टर्स में बन जाता है. जैसे बताया गया 3x², यू कैन सी इट हियर, 3x² कैन बी रिटन एज 3 × x × x. यहाँ पर 3 और x और x, ये सभी इसके जो टर्म था 3x², इसके फैक्टर्स कहलाते हैं. या -4 को हम कैसे लिख सकते हैं? -4 × x × y, -4xy को -4 × x × y लिख सकते हैं. 7y² को कैसे लिख सकते हैं? 7 × y × y. तो ये सब बताया गया कि ये इसके फैक्टर्स हैं. जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे वैसे ही ये फैक्टर्स बताए गए हैं, ये फैक्टर्स हैं आपके इसके टर्म्स के. नाउ नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो बताया गया, दस एन एक्सप्रेशन इट्स टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ ट्री डायग्राम टू मेक इट ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल टू यू.
इसमें बताया गया कि जो ट्री डायग्राम है हम देख सकते हैं, जैसे ये एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरा, 3x² - 4xy + 7y², इसके थ्री टर्म्स हैं, इनको अलग अलग किया गया। 3x² इसका फर्स्ट टर्म है, -4xy सेकेंड टर्म एंड 7y² इज द थर्ड टर्म। नाउ दीज टर्म्स आर फैक्टराइज हियर, 3xx, x टू द पावर 2 और x स्क्वायर मीन्स दिस टर्म इज हैविंग 2x। अब नाउ -4x एंड y, नाउ 7y एंड y। सो ये आपको फैक्टराइज करना बताया गया है कि हम कैसे टर्म्स के फैक्टर या किसी एक्सप्रेशन के टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखने वाली है यहाँ पे कि माइनस और प्लस के जो साइंस हैं ये आपके टर्म्स को अलग अलग करते हैं। अगर ये माइनस और प्लस के साइन आपको बीच में नहीं मिलेंगे तो ये हमारा पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये हमारा एक सिंगल टर्म में काउंटेबल होगा। आगे चलते हैं, देखिए एक्सप्रेशंस के बारे में आपको बताया गया, कॉफिशियंट्स के बारे में बताया गया, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, यू कैन रीड इट बाय योर ओन, कि नंबर फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्ट इज द न्यूमेरिकल कॉफिशियंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स। अगर हम कभी भी कॉफिशियंट की बात करें तो को एफिशियंट लिखते हैं, कॉफिशियंट इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, तो इसका जो नंबर फैक्टर होगा वो बेसिकली न्यूमेरिकल कॉफिशियंट की फॉर्म में होगा। जैसे हम एक टर्म ले लेते हैं 27x², इसमें जो 27 है दिस इज द नंबर, तो 27 विल बी कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ द टर्म। उसी तरह ये जो एक्स स्क्वायर आया है ये हमारा लेटर है, तो लेटर फैक्टर जो भी होगा वो कहलाएगा लिटरल कॉफिशियंट। और अगर कभी आपसे केवल कॉफिशियंट के बारे में बात की जाती है कि राइट दी कॉफिशियंट ऑफ द टर्म, तो आपको उसका न्यूमेरिकल कॉफिशियंट ही बताना होता है। माने अगर आपको क्वेश्चन में आस्क किया जाएगा कि आप कॉफिशियंट बताइए, तो आपको केवल नंबर बताना होगा, व्हाट इज रिटन हियर जस्ट बिफोर द लेटर्स। और अगर आपको पूछा जाएगा कि आप न्यूमेरिकल कॉफिशियंट बताइए, अगेन यू विल हैव टू राइट द नंबर। और अगर आपको पूछा गया कि आप लिटरल कॉफिशियंट बताइए, देन यू विल हैव टू चूज द लेटर पोर्शन और द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द टर्म। तो इसका जो लिटरल कॉफिशियंट है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर आपको कभी भी बताने के लिए आता है कि किसी एक खास नंबर का या किसी एक स्पेशल नंबर का कॉफिशियंट बताइए, जैसे सपोज कर लेते हैं ये आपको दिया गया है 27x², इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि x का कॉफिशियंट बताइए, तो हम इसको फैक्टर करेंगे 27 × x × x, उसमें जिस टर्म जिस वेरिएबल का या जिस नंबर का कॉफिशियंट पूछा गया है उसको हम वहां से अलग कर लेंगे, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द टर्म विल बी द कॉफिशियंट ऑफ द सेम वेरिएबल और द सेम नंबर। जैसे अगर 27 का कॉफिशियंट आपसे पूछा जाएगा तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर, अगर आपको x का पूछा जाएगा तो हो जाएगा 27x, अगर आपको एक्स स्क्वायर का पूछा जाएगा तो हो जाएगा 27। अगर आपको पूरे के पूरे टर्म का कॉफिशियंट पूछा जाएगा, बताइए 27x² का कॉफिशियंट इस टर्म में क्या है, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना होगा। जैसे अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो वो -1 हो जाएगा। देखिए द न्यूमेरिकल कॉफिशियंट ऑफ -p इज -1, यानी जो माइनस का साइन है ये हमेशा हमारा नंबर के साथ ही ट्रेवल करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं, उनके न्यूमेरिकल कॉफिशियंट और उनके लिटरल कॉफिशियंट लिखे हुए हैं। अब अगर ये 45x² गिवन टर्म है, इसमें मैं आपसे कहूँ कि अगर इसमें b का कॉफिशियंट बताइए, देन यू विल हैव टू राइट 45a², तो ये केवल b का हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँगा कि 45b का कॉफिशियंट बताइए, तो क्या होगा आंसर में, आप मुझे आंसर भेजिएगा। ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, लाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म्स के बारे में हम जानना चाहते हैं तो वी कैन रीड द होल डिस्क्रिप्शन गिवन हियर, और मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि लाइक टर्म्स, वैसे भी बेसिकली टीचर्स का काम होता है, कोई भी चीज़ है आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लिखा हुआ तो उसमें बहुत सारा मैटर है, लेकिन आपको उसमें से रीड क्या क्या करना है वह मैं आपको बताता चल रहा हूँ। कि लाइक टर्म्स का मतलब होता है वेयर एवर वी आर फाइंडिंग टू टर्म्स, जब भी हम दो टर्म फाइंड करेंगे और उनका जो लिटरल फैक्टर है, लिटरल कॉफिशियंट है, वो सेम हो जाएगा, तो वो सारे टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर 5a, 3a और 7a दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं 5a का लिटरल कॉफिशियंट जो है वो a है, 3a का भी a है और 7a का भी a है, तो ये तीनों टर्म्स जो होंगे ये हमारे लाइक टर्म्स होंगे। अब अगर देख लेते हैं यहाँ पर सेकेंड दिया गया है 2b², 3b², तो इसका जो लिटरल पार्ट है वो है b² और यहाँ का जो लिटरल पार्ट है ये भी है b²,
तो जब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमको कॉमन मिल रहा है दो टर्म्स में लिटरल पार्ट में, इट मीन्स कि दीज टू टर्म्स विल बी लाइक टर्म्स। उसी तरह 5mn है और 3mn है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स होंगे। अब इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि अगर ये m और n का ऑर्डर भी हम चेंज कर लें तो जो ऑर्डर चेंज nm अगर हम कर दें तो वो भी लाइक टर्म्स कहलाएंगे, क्योंकि वेरिएबल किस ऑर्डर में लगे हुए हैं इट डजेंट मैटर अबाउट द लाइक टर्म्स। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज अनलाइक टर्म्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया गया है जिसमें लिटरल फैक्टर्स या लिटरल कोफिशिएंट जो है वो अगर एक जैसा नहीं है तो वो दोनों अनलाइक टर्म्स होंगे। जैसे देखिए 5a एंड 2b, 5a में जो लिटरल कोफिशिएंट है वो हमारा a है और 2b में जो लिटरल कोफिशिएंट है वो हमारा b है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। इसमें देखिए m, अच्छा इसमें अब वेरिएबल सेम है m और m दोनों में है, लेकिन इसमें m की पावर 2 है, दैट मीन्स यहाँ डबल m है। तो जब यहाँ डबल m है और यहाँ सिंगल m है तो इसका लिटरल पार्ट जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, और इक्विवेलेंट नहीं है इसीलिए दोनों अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। और भी आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, वो डेफिनेशंस हमको जो दी गई हैं वो बेसिकली टर्म्स के हिसाब से हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे वो दी गई हैं। मोर डेफिनेशंस यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला देखते हैं। सिंपल एक्सप्रेशन या मोनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन टर्म, माने जिसमें एक टर्म होगा उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें हमारा टू टर्म्स होगा। ट्राइनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें हमारा थ्री टर्म्स होगा। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में 2a² - 3ab + 5b, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। कंपाउंड एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल कैसे बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर टर्म्स, अगर हमारा दो या दो से ज़्यादा है तो उसको हम कंपाउंड एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू या टू से ज़्यादा टर्म्स होंगे, जैसे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो हैं उनके स्पेशल नाम हैं पॉलिनोमियल्स के। उसके बाद पॉलिनोमियल आपको बताया गया, इसमें पॉलिनोमियल में भी टॉपिक है, ये आपको मैं पढ़ा देता हूँ आज। पॉलिनोमियल में बताया गया एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a + bx + cx² + dx³, जहाँ पर a, b, c, d ये सब कांस्टेंट हैं और x जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x का मतलब है x यहाँ वेरिएबल की तरह यूज हुआ और a, b, c, d इनकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। जैसे देखिए 6 - 7x इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। अच्छा डिग्री कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम पॉलिनोमियल के टर्म्स को देखते हैं, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है। जब इसमें वेरिएबल है तो उसमें इस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये हमारा जो है इसका डिग्री हो जाएगा 1। उसके बाद 7x² + 2x + 5, इसमें पॉलिनोमियल ये भी x में ही पॉलिनोमियल है, यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पे x है उसकी पावर 1, यहाँ पे x है उसकी पावर 2। इसका मतलब इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 2। सो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ सिंगल टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको हम ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री 4 बताई जा रही है, तो आप देखिए दिस टर्म, इस टर्म की वजह से ही इसकी डिग्री जो है वो 4 है। अगर 6 लिखा है यानी 6x⁻⁰, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर आता है तो उसकी पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 मानी जाती है। पॉलिनोमियल के बारे में ही एक इसमें फैक्ट है, आप देख लीजिए, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ टर्म ऑफ द फॉर्म 1/x, 1/x² (x / y), (x²/y) इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये टर्म्स जो हैं अगर कोई एक्सप्रेशन में आते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बुलाएंगे। और पॉलिनोमियल ना होने की वजह क्या है, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे, ये वेरिएबल आ रहे हैं डिनोमिनेटर में। यानी कि अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कोई ऐसा टर्म देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल आ जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बुलाएंगे, दैट विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट पेज से हमारी एक्सरसाइज 6a स्टार्ट है। चिल्ड्रन इसमें 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस हैं, द क्वेश्चंस आर टू मच इजी। तो ये एक्सरसाइज 6a आई एम गिविंग यू एज होमवर्क। अच्छा अब कोई क्वेश्चंस आपके ऐसे हों जो इसके नहीं बन पाते हैं तो उसके आंसर के लिए आप स्कूल पोर्टल पर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपके जो
नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन जो टेस्ट होते हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट 2 दैट मे बी इन अगस्त, तो आप उसकी तैयारी करते रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो अगर तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के पोर्टल पर आकर के उसको ज़रूर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में पिछली बार तो आपके पास शायद क्वेश्चन करने का इतना ज़्यादा जरिया नहीं था, तो आप फोटो खींच करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेरीज ज़रूर डालिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि ये स्टडी मैटर करेगी आपकी नेक्स्ट क्लास में भी, क्योंकि यहाँ जो एलजेब्रा पढ़ाई जा रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लासेस के लिए। सो आई एम एंडिंग द वीडियो। तो ये 6A आपको होमवर्क में करके रखनी है, और इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।